माननीय देवेंद्र फडणवीस, इनके ऑफिस में एक ओएसडी काम करते हैं, विशेष कार्य अधिकारी विद्याधर महाले। इनका ईमेल आईडी हैक करके, उसको इम्पर्सोनेट करके, इन्होंने एक बहुत सारे ऑफिसर्स की, जो महावितरण में काम करते हैं, वो बहुत सारे इंजीनियर्स लोगों की और बाकी स्टाफ की एक ट्रांसफ़र ऑर्डर निकाली थी। और वो ट्रांसफ़र ऑर्डर ये ऐसे ईमेल आईडी से निकली थी कि जैसे कि वो विद्याधर महाले डीसीएम ऑफिस में काम करते हैं, और उनका ईमेल आईडी इम्पर्सनेट करके, जैसे कि लोगों को लगे कि वही ईमेल आईडी से आया है, तो ये सच्चा है, उसमें कोई खोट नहीं है, ये ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस से आया है। उसके ऊपर भरोसा करके ये जो ऑर्डर है लोगों को दिखा के, जो भी इंजीनियर्स है, जो महावितरण में काम करने वाले लोग हैं, उनको ऑर्डर दिखा के उनसे पैसा निकालने का एक तरीका था। जैसे कि कंप्लेंट वहाँ से हमें मिल गई, वैसे ही हमने इसका इन्वेस्टिगेशन चालू किया था। और इन्वेस्टिगेशन में हमें ये पता लगा कि जो इम्पर्सोनेटेड ईमेल आईडी था, उसके लिए जो आईपी एड्रेस मिले थे, आईपी एड्रेस में जिसके लिए वो जो डिवाइस यूज़ किया था, वो मोबाइल, और वो डिवाइस में एक उन्होंने दो इंटरनेट सर्विसेज यूज़ की थी, एक ओपन वाईफाई, कि जैसे कि आरोपी को लगा कि ओपन वाईफाई सर्विस की यूज़ करते हैं तो हमको कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा है कि उसने एक गलती से उसका जो खुद का सिम कार्ड है, कभी 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 क्या होता है कि ओपन वाईफाई सर्विस कभी कभी नहीं मिलती है, तो गलती से उसने एक सिम कार्ड भी यूज़ किया था। कि ऐसे करने के बाद उसको ऐसा लगा कि ये सब हम पकड़े नहीं जाएंगे, ईमेल आईडी गवर्नमेंट की जो ईमेल आईडी रहती है उस टाइप की इम्पर्सनेट करके लोगों को दिखाने के लिए, अधिकारी लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने ये ईमेल आईडी से ऑर्डर निकाली थी और लोगों के पास पहुंचाने का उनका प्रयास था। जैसे ही जिनकी ट्रांसफ़र हो गई थी, वो जैसे डीसीएम ऑफिस को लोग उसके बारे में पूछने लगे, तो उनको पता लगा कि ऐसी ऑर्डर हमने निकाली नहीं थी, कोई ये गलत ऑर्डर निकाल के ये आदमी लोगों से पैसा ले रहा है। इसकी वजह से उन्होंने इधर कंप्लेंट दी थी, और उसका टेक्निकल सब एविडेंस कलेक्ट करने के बाद, वो आईपी एड्रेस वगैरह ट्रेस करने के बाद, पुलिस ने ये मिरर से एक आदमी है, मोहम्मद इलियास याकूब मोमिन, ये 40 साल का है, ये खाजगी कॉन्ट्रैक्टर है, मिरज में छोटा मोटा काम करता है, और पहले भी उसके उसे एक गुनाह हो गया है, कभी तो कोई गवर्नमेंट में वो काम करता था, उसकी भी हम जानकारी ले रहे हैं, वहाँ से भी उसको एंटी करप्शन का एक ट्रैप में फंसा था, इसकी भी ओपन इंक्वायरी भी चल रही है, उसके बारे में हम अभी इन्वेस्टिगेशन में उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लेंगे, जैसे कि उसकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, और भी इसने कितने लोगों को ऐसा लेटर भेज के गवर्नमेंट के नाम से, गवर्नमेंट ईमेल आईडी से इम्पर्सोनेट करके कितने लोगों से पैसा निकाला है, ये सब इसका तपास जारी है। सर, कितने अधिकारियों का ट्रांसफर ऑर्डर निकाला था और कैसे लोगों को कांटेक्ट करके पैसे मांगा? ये छः लोगों का ऑर्डर है, ये जो है ये 6 लोगों के ऑर्डर है, और जो ईमेल आईडी है विद्याधर महाले करके, गवर्नमेंट में जो डीसीएम ऑफिस में काम करते हैं वो एसडी, उनका ईमेल आईडी उन्होंने ऐसा इम्पर्सनेट किया था। सर, ये संपर्क कैसे करता था? आपने कहा जो पैसे मांगता था, तो किस तरह से पैसे कलेक्ट करता था? ऑनलाइन करता था, पर्सनली मिलता था? इसमें पहला बहाना ये है कि ये आपकी ऑर्डर जो है गवर्नमेंट से आई है और ये मैंने ही निकाली है, इसका इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है, इसका इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है। इसमें क्या है कि ये ईमेल आईडी, बहुत बार क्या होता है कि ईमेल आईडी से ही अभी गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑर्डर्स निकलते हैं, जैसे कि आपके व्हाट्सएप के कॉपी मिल जाती है आपको, तुरंत ही पीडीएफ आता है, जैसे ही गवर्नमेंट के उधर से साइन होती है सीनियर ऑफिसर की, या गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर निकालती है, तो जैसे ही फाइल पर साइन हो जाती है, तो तुरंत ही नीचे वाले जो भी अंडर सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी जो भी है, वो साइन करते हैं, ऑर्डर डिस्पैच करते हैं, वो डिस्पैच होती है ईमेल से, बहुत सारे ऑफिसर्स को मालूम है ईमेल से आती है, पीडीएफ से आती है। इसने क्या किया है कि जैसे कि लोगों को लगे, जिस ऑफिसर के संपर्क में थे उनको लगे कि ये गवर्नमेंट से ऑर्डर आया है या आने वाले हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि अपना अपना तरीका रहता है हर एक क्रिमिनल का, लेकिन इसका ये तरीका था कि गवर्नमेंट ईमेल आईडी
उसको इम्पर्सनेट हैक नहीं किया है, वो ईमेल आईडी को हैक नहीं किया है, उसको इम्पर्सनेट किया है। इम्पर्सनेटेशन बोले तो किसी का चेहरा यूज़ करना, किसी का बाकी आधार कार्ड यूज़ करना, जैसे कि आपको व्हाट्सएप पे कॉल आते हैं उसके ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत बार ऐसा होता है कि वो आदमी का फ़ोन नहीं रहता है लेकिन फ़ोटो अलग रहता है, तो लोगों को लगता है वही आदमी अपने फ़ोन कर रहा है। कहाँ का रहने वाला था इसका एजुकेशन? ये एजुकेशन के बारे में हम जब भी जानकारी ले रहे हैं, लेकिन ये पढ़ा लिखा है, काफ़ी पढ़ा लिखा है। बी इलेक्ट्रॉनिक्स से ही खुद ही किया। सर सवाल ये भी है कि ये आरोपी है, ये तो डीसीएम ऑफिस में काम नहीं करता है, ये जो अधिकारी है इनकी डिटेल्स कैसे इसके पास मिले? क्या ऑफिस का कोई स्टाफ अटैच था? क्योंकि अधिकारियों का जो डिटेल है इनके पास कैसे आया, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये इसके लिए तो इन्वेस्टिगेशन है, इसके लिए तो एफआईआर बन चुकी है। पहले हमने जिसने ये आईपी एड्रेस के तरीके या आईपी एड्रेस का एनालिसिस करने के बाद हम इस आरोपी तक पहुंचे गए, मतलब ये है कि अभी तक इसके पास पहुंच गए हैं। कहाँ से ऑर्डर निकाली है, कैसे निकाली है, किसने प्रिंट की है और इसमें कौन कौन है, इसके लिए हमने संगठित गुनहगारी का 120B सेक्शन भी इसमें लगाया है। ये अकेले का काम नहीं हो सकता, लेकिन फिलहाल आईपी एड्रेस का एनालिसिस करने के बाद ये आदमी हमें इसको हम अभी इसके साथ इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद उसकी रिमांड लेने के बाद हमें पता लगेगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन और भी करना जरूरी है। अभी तक ये आदमी पकड़ा गया है।